दहेज के लालच के चलते सहुरा परिवार वालों लड़कियों को तंग परेशान करने दी खबरां अक्सर ही सुनने को मिलदियां ने। ताज़ा मामला चंडीगढ़ के पिंड डड्डू माजरा दा है, जिथे ननीता नाम की व्यौता नाल ना सिर्फ कुटमार की गई बल्कि उसनू घर तो भी बाहर कढ़ दिता गया। पर बदकिस्मत ननीता के दुख इत्थे ही खत्म नहीं हुंदे। उस दे मुताबक पुलिस अते महिला सैल विच शिकायत दर्ज कराउण दे बावजूद अजे तक उसनू इंसाफ नहीं मिल सकिया। विआह एक अजिहा अटुट रिश्ता हुंदा जो कि सत फेरियां तो शुरू होकर सत जन्मां तक के वादे नाल शुरू किया जाता है। पर दहेज के लालची कुछ अजिहे लोग चंद पैसों की खातर इस रिश्ते भी तोड़ देंदे ने। चंडीगढ़ स्थित पिंड डड्डू माजरा की रहने वाली ननीता दे नाल भी कुछ अजिहा ही वापरिया। 6 महीने पहला उसके पिता ने ननीता का विआह सनी कुमार नाम के एक लड़के नाल बड़ी ही धूमधाम के नाल कीता सी। इस दौरान ननीता के पिता ने अपनी हैसियत तो किते ज़्यादा दाज दहेज भी दिता ता जो उसकी बेटी सहुरे घर विच खुश रह सके। पर ननीता के पिता और परिवारक मैंबरां की यह खुशी कुछ ही दिनों बाद उस वेले फीकी पैन लगी जदों ननीता की सस और पति सनी ने उस नाल मार कुटाई करनी शुरू कर दी। इसकी शिकायत पुलिस नूं भी दी गई और पुलिस ने उन्होंने वक्रे मकान विच किराए दे उत्ते रहन दे फैसले दे नाल नाल दोनों धिरां दे विच समझौता करवा दिता। पर इस तो बाद भी ननीता का पति सनी उस दे नाल मार कुटाई करता रहा। मजबूर होकर ननीता वालों इस दी शिकायत चंडीगढ़ वूमैन सैल नूं दित्ती गई, पर कई महीने बीतन के बावजूद इस उत्ते अजे तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़िता का आरोप है कि चंडीगढ़ के मेयर पुलिस के उत्ते दबाव बना रहे हैं, जिस के चलते पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। मेरी शादी 16 जनवरी 2013 को हुई है सनी कुमार के साथ। सनी कुमार का हाउस नंबर है 360 डड्डू माजरा कॉलोनी। सर मेरी ये शादी मेरी सास के कारण हुई है। उन्होंने दहेज की मांग की थी मेरे से, तो इस वजह से हुई है। दूसरे तीसरे दिन उन्होंने मेरे को दहेज की मांग शुरू कर दी थी। कहते थे हमने सोचा तू गाड़ी लेके आएगी, वो मैं लेके नहीं गई थी, जिस कारण फिर उसके बाद मेरी तीन महीने बाद ही उन्होंने मेरे ऊपर हाथापाई करी है। जो भी कुछ था उन्होंने मारा मुझको उसी तरह से। फिर धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती ही चली गई, मार कटाई जो भी कुछ था। ये कभी कुछ मांगते थे तो कभी कुछ मांगे, मैं क्या क्या उनका पूरा करके दूँ। उधर जदों इस सारे मामले संबंधी DIG AS चीमा दे नाल गल कीती गई तां उन्हां कहा कि असी शिकायतां दे आधार उत्ते कार्रवाई कर रहे हां। उन्हां कहा कि दोहां धिरां दे विच समझौता कराउण दा रस्ता लभ्या जा रहा अते छेती ही इस मामले नूं सुलझा लिया जाएगा। ये इंटरनल रिव्यूज हैं, वी विल डू एन इंटरनल रिव्यू ऑफ दैट, और उसका जो कारण है हम उनको शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश करेंगे और उनका क्या समाधान हो सकता है वो हम उसके साथ बाद में करेंगे। महज 6 महीने के विआह तो बाद अज ननीता अते उसके पति का यह रिश्ता टुटण की कगार ते पहुँच गया। जबकि ननीता अपने पति दे नाल रहना चाहती है अते अपने विआह की एल्बम नू देख के उस दियां अखां विचों अथरू आप मुहारे वह तुरते ने। पर पुलिस इस मामले नू सुलझाउण की बजाय जांच करके अते दोवां धिरां की काउंसलिंग की गल कह के अपना पल्ला झाड़ रही है। हुण देखना यह होवेगा कि इस मामले विच की कार्रवाई की जाती है अते ननीता नू इंसाफ मिल सकता है जां नहीं। चंडीगढ़ तो कैमरामैन गिरिश दुर्गापाल अते पत्रकार मनोज राठी दे लई कुलदीप सग्गू DN Night न्यूज़। खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल, कदे वी किते वी जुड़ो। आपा मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।